सब्सक्राइब कीजिए एसएससी एग्जाम वॉरियर को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएससी एग्जाम वॉरियर में। तो फाइनली दोस्तों सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का इंतजार खत्म हो चुका है। उसके पीएचटी के देखिए आप लोग, ये लाइव आप लोगों का स्क्रीनशॉट ले रहा था जिसमें देखिए लिखा हुआ है एडमिट कार्ड फॉर पीएचटी फॉर एचसी मिनिस्ट्रियल के अंदर, तो वो आप लोग के डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे 1/6/2019 से। आप लोगों का ये तो स्क्रीनशॉट है, हम वेबसाइट पर आप लोग आकर दिखा देते हैं किस तरीके से आप लोगों को एडमिट कार्ड निकालने हैं अपने और क्या आप अभी तक स्टेटस चल रहा है एडमिट कार्ड का। इसके अंदर आप लोगों के एडमिट कार्ड के अंदर पीएचटी और डीबी एक साथ ही होने वाला है। पीएचटी और डीबी के लिए हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को एक साथ होगा, उसके लिए हम वीडियो में बता चुके हैं किस तरीके से आप लोगों का पीएचटी और डीबी होने वाला है। एक शॉर्ट बता देते हैं, पीएचटी के अंदर आप लोगों को वेट नापा जाएगा, वेट के ऊपर कितनी स्पेशल वीडियो बनाई है आप लोगों की डिमांड के ऊपर कि किस तरीके से वेट का जो है स्टेटस होता है इसके अंदर। अब वेट आप लोगों का मेजर होगा, हाइट आप लोगों की मेजर होगी, चेस्ट आप लोगों की मेजर होगी, तो ये आप लोगों के तीन स्टेप फॉलो होंगे इसके अंदर। तो आप लोगों के जो अगर आप लोग सीआईएसएफ के अंदर काम करते हैं तो उनका जो है अलग स्टैंडर्ड है, एक्स सर्विसमैन का अलग स्टैंडर्ड है। तो उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें, देखिए आप लोग पहले वेबसाइट पर दिखा देते हैं आप लोगों का रिजल्ट स्टेटस जितने आप लोग बने रहे इस वीडियो में। दोस्तों देखिए ये है एडमिट कार्ड का 1/6/2019 से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। नोटिस बोर्ड पर ही ये खबर आप लोग की अपडेट हो रही है, बाकी आप लोग क्लिक कर टोटली देख सकते हैं। आप लोग अगर फॉरगेट अपना भूल चुके हैं तो आप लोग फॉरगेट डालकर अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर फॉरगेट भी कर सकते हैं, अभी से जो है तैयारी कर लीजिए। 1/6 आप लोग की ज़्यादा दूर डेट नहीं है, आप लोग का एडमिट कार्ड 1/6/2019 को अपडेट हो जाएगा। तो आप लोग एडमिट कार्ड की दो कॉपी निकाल लीजिएगा क्योंकि आप लोगों को दो कॉपी की नीड होती है, और आप लोग की जो है 10th की एक मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आप लोगों की हायर ग्रेजुएशन मार्कशीट, वहीं आप लोगों का अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेडी कर लीजिएगा। अभी से अपना एससी एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट रेडी कर लीजिएगा विद आप लोगों की प्रूफ डेट, जो आप लोगों का एसएससी का फॉर्मेट है सेंट्रल रूल के अकॉर्डिंग। ये देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप वहाँ गलती कर देते हैं ना तो आप लोगों को दूसरा चांस मिलेगा, सिर्फ आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेटों ने अप्लाई किया है, उनको शॉर्टलिस्टेड करने हैं इतने सारे कैंडिडेट, तो इसीलिए वो पहले ले रहे हैं क्योंकि आप लोगों का रिटर्न इसलिए बाद में हो रहा है। अब देखिए आप लोग एससी एसटी और ओबीसी का आप लोग सर्टिफिकेट कर लीजिएगा, डोमिसाइल आप लोग का सेंटर का होता है, स्टेट का होता है माफ़ कीजिएगा, तो वो आप लोग रख लीजिएगा। आप लोग की हर किसी की एक एक कॉपी निकालनी है जो सेल्फ परचेस्ट करनी है, आप लोग सभी की सॉफ्ट कॉपी भी अपने पास रखिएगा, अगर आप लोगों को कहीं वहाँ पर नीड पड़ जाए तो आप लोग दोबारा कॉपी निकाल सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एज सर्टिफिकेट के लिए देखिए, एक सर्टिफिकेट के लिए आप लोग 10th की मार्कशीट यूज़ कर सकते हैं, अगर आप लोगों का एज सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छा है। आप लोग एक आधार कार्ड के लिए रख लीजिएगा, आप लोग आई डी प्रूफ के लिए आधार कार्ड हो सकता है, आप लोग का लाइसेंस हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, लाइसेंस आप लोगों का आइडेंटिटी प्रूफ में कुछ भी चल सकता है। चार फोटो रखिएगा अपने पास, और आप लोगों के जो भी आप लोग एडिशनल आप लोग अगर कोई रिलैक्सेशन ले रहे हैं, किसी आप लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर के किसी रीजन से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग उसके लिए अपना स्पेशली बनवाइएगा। आप लोग का जो है पीएचटी और डीबी कहाँ होगा तो उसके लिए बता दें, आप लोग नोटिफिकेशन में आएंगे तो नोटिफिकेशन में क्लियरली दे रखा है आप लोग का जोन वाइज जो है सेंटर बताए जाएंगे, बाकी आप लोग एडमिट कार्ड के अंदर भी लिखा होगा, ज़्यादा दूर आप लोगों नहीं होगा, आप लोगों नियर बाय स्टेट नियर बाय स्ट्री में ही आप लोगों का पीएचटी कराया जाएगा क्योंकि सीआईएसएफ के जो होते हैं हेडक्वार्टर वो हर जगह जगह पर होते हैं। तो आप लोग अगर ये नॉर्थ आप लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को दिल्ली में मिल जाएगा इजिली, तो ये आप लोगों का सेंटर प्रोवाइड किए जाएंगे, वहाँ आप लोगों का वेट मेजरमेंट होगा। वेट के लिए बता दें, अगर आप लोगों का कोई 2 से 4 किलो वेट कम भी होता है तो वहाँ पर चल जाता है क्योंकि ऑफलाइन वेट किया जाता है इसके अंदर, आप लोग कोई ऑनलाइन वेट वहाँ मेजर नहीं किया जाता तो वहाँ चल जाता है वेट के लिए। और हाइट का थोड़ा सा इशू होता है, हाइट अगर कम है तो दिक्कत होती है, वैसे भी हाइट इसमें ज़्यादा मांगी नहीं गई है और आप लोगों की चेस्ट मेजरमेंट भी कमी मांगी गई है, तो इजीली आप पीएचटी और डीबी कर लेंगे। अब अगर रिव्यू भी हमारे चैनल द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो दोस्तों सीआईएसएफ के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी हमारे चैनल द्वारा आप लोगों को सबसे पहले अपडेट की जाएगी और आप लोगों को सारा रिव्यू भी बताया जाएगा डीबी और पीएचटी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।